हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है सुधीर। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि पुट और कीप का क्या यूज है, यानी रखने के लिए कभी हम कीप और कभी हम पुट का यूज करते हैं। तो फिर हम कैसे जाने कि कब हमको कीप का यूज करना है और कब हमको वर्ड पुट का यूज करना है। बहुत आसान कंसेप्ट है, चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके डाउट पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, पुट इज यूज टू इंडिकेट प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन पोजीशन आ अ सर्टेन लोकेशन। पुट द बुक ऑन द टेबल। फ्रेंड्स, वर्ड पुट का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई एक प्रोडक्ट एक जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। यानी वर्ड रखने के लिए पुट का यूज तब करते हैं जब हमें कहना हो कि किसी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। जैसे पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी अगर कहीं किताब रखी हुई है तो आप कहेंगे पुट द बुक ऑन द टेबल, यानी इस किताब को यहां से उठाकर टेबल पर रख दो, इस जगह से मूव कराकर टेबल पर रख दो। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव पुट योर क्लॉथ्स इन द बॉक्स, मैंने तुम्हारे कपड़े को बॉक्स में रख दिया है, यानी किसी एक जगह से मूव कराकर दूसरे जगह रख दिया है। फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं वी पुट अवर डॉटर इन बोर्डिंग स्कूल फॉर अ बेटर एजुकेशन, मैंने अपनी बेटी को एक बोर्डिंग स्कूल में रख दिया उसकी अच्छी तालीम के लिए या शिक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, वर्ड पुट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि हम किसी एक नाउन को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें या दूसरी जगह पर रख दें। वहीं दूसरी तरफ हम वर्ड कीप का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई चीज रखना। जैसे कीप इज डिफाइंड एज अ टू हैव ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ प्लेस एन ऑब्जेक्ट समवेयर। एग्जाम्पल देखते हैं, यू मे कीप द चेंज, आपको चेंज रखना चाहिए, यानी आपको चेंज पैसे रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आप किसी को देखकर कह सकते हैं यू शुड कीप अ कैप, आपको एक टोपी रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है रेलवे स्टेशन पर कोई आपसे कलम मांगता है ताकि वह फॉर्म को फिलअप कर सके, तो आप वहां कह सकते हैं यू शुड कीप अ पेन, आपको एक कलम रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वर्ड कीप का यूज किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह बात आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव और जीडेंट के यूज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर मेरे स्टूडेंट मुझसे क्लासरूम में क्वेश्चन करते हैं कि इस वर्ब के साथ इन्फिनिटिव का यूज करें या जीडेंट का यूज करें। फ्रेंड्स, यहाँ मैं इन्फिनिटिव और जीडेंट के बारे में एक खास बात बताऊंगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे तो हो सकता है आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो। जैसे फ्रेंड्स, ये सभी वर्ब जैसे अग्री, डिजायर, डेयर, डिसाइड, होप, एक्सपेक्ट, वांट, विश, प्रॉमिस, रिफ्यूज, एगर, एक्सेस, एबल, ग्लैड, हैप्पी, इजी, हार्ड, रेडी, फॉल, फ्रेंड्स ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी जीरंड का यूज नहीं होता, इनके साथ हमेशा इन्फिनिटिव का यूज होता है। यानी यहां मैंने दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल गलत है और दूसरा एग्जाम्पल करेक्ट है। जैसे आई होप टू सी हिम, ये एग्जाम्पल करेक्ट है, आप ऐसे नहीं लिख सकते आई होप सीइंग हिम, यानी आप होप के बाद जीरंड का यूज नहीं कर सकते। सिर्फ होप ही नहीं बल्कि इन सभी वर्ड्स के साथ आप जीरंड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के साथ सिर्फ इन्फिनिटिव का ही यूज होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। व्हाई डिड यू फेल कमिंग, आप वर्ब फेल के साथ जीरंड का यूज नहीं कर सकते, आपको कहना होगा टू कम। व्हाई डिड यू फेल टू कम, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, आप नहीं कह सकते आई एम रेडी स्टार्टिंग, बल्कि आपको कहना होगा आई एम रेडी टू स्टार्ट।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि इन वर्ड्स के साथ आप जीरंड का यूज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स जिस तरीके से आप इनके साथ जीरंड का यूज नहीं कर सकते उसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर सकते। तो आइए देखें फ्रेंड्स वो क्या वर्ड है जिसके साथ आप इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ जीरंड का ही यूज करेंगे। फ्रेंड्स वर्ड अवॉइड कंसीडर एंजॉय एक्सक्यूज फील फिनिश माइंड मिस गिव अप गो ऑन एंड इज नो यूज के साथ आप कभी भी इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर सकते, आपको जीरंड का यूज करना होगा। जैसे आप ऐसा नहीं कह सकते इट इज नो यूज टू प्ले, बट आपको कहना होगा इट इज नो यूज प्लेइंग। क्यों? क्योंकि नो यूज के साथ कभी भी इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते बल्कि जीरंड का यूज करते हैं। और सिर्फ नो यूज ही नहीं बल्कि इन सभी वर्ड्स के साथ जीरंड का यूज किया जाता, इन्फिनिटिव का यूज नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स वर्ड हियर सी नोटिस ऑब्जर्व नीड नॉट डेयर नॉट मेक लेट बिड बी होल्ड वॉच शैल शुड विल वुड मस्ट कैन कुड मे माइट डू डिड ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी जब इनके साथ इन्फिनिटिव का यूज होता है तो वर्ब के पहले टू का यूज नहीं करते हैं, यानी हम टू को गायब कर देते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि जानते हैं इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इन सभी वर्ड्स के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, यानी हम सिर्फ वर्ब लिखते हैं टू को गायब कर देते हैं। जैसे आई हर्ड हिम क्राई मैंने उसको चिल्लाते हुए सुना, आप ऐसे नहीं कह सकते आई हर्ड हिम टू क्राई। अगर आप यहाँ पर टू का यूज करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। आई शॉ देम गो आप ये नहीं कह सकते आई शॉ देम टू गो, अगर आप टू का यूज करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह बात आप याद रखेंगे, इन सभी वर्ड्स के साथ इन्फिनिटिव का यूज होता है लेकिन उस इन्फिनिटिव के पहले हम टू का यूज नहीं करते हैं, यानी छोटा में आप यह समझ सकते हैं कि इन सभी वर्ड्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू। फ्रेंड्स आज का टॉपिक मेरे क्लासरूम से है। आज मेरी क्लासरूम में एक स्टूडेंट ने पूछा आई लाइक टू सिंग और आई लाइक सिंगिंग, क्या दोनों का सेंस एक है या फिर दोनों में कोई फर्क है? यानी जब हम वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का यूज करें या जीरंड का यूज करें तो क्या उन दोनों का मीनिंग सेम होता है? क्या हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इन्फिनिटिव की जगह जीरंड या जीरंड की जगह इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि चार ऐसे वर्ड्स हैं, यानी लाइक डिसलाइक स्टॉप और बिगिन, जहां आप अगर इनके बाद इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो उसका कुछ और सेंस होता है, और अगर आप इनके बाद जीरंड का यूज करते हैं तो उसका अलग सेंस होता है। क्या सेंस होता है आइए इस बात को बारीकी से समझें। फ्रेंड्स जब आप लाइक के साथ इन्फिनिटिव लिखते हैं तो उसका सेंस होता है कि यह काम किसी खास मौके पर हुआ या किसी खास कंडीशन में हुआ, लेकिन जब आप लाइक के साथ जीरंड का यूज करते हैं तो इसका सेंस होता है कि यह काम जनरली हमेशा हुआ या आमतौर पर रोज हुआ। जैसे आई लाइक टू सिंग मैं गाना पसंद किया, मतलब उस जगह या उस माहौल में मैंने गाना गाना पसंद किया। लेकिन अगर मैं कहूं आई लाइक सिंगिंग तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं गाना गाना पसंद किया, यानी यह काम हमेशा मैं करना पसंद किया। आई डिसलाइक टू कॉल इसका मतलब हुआ मैंने उसे बुलाना पसंद नहीं किया। यहाँ टू कॉल से ये पता चला कि कोई खास कंडीशन में उस माहौल में मैंने ऐसा करना पसंद नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूँ आई डिसलाइक कॉलिंग तो इसका मतलब हुआ मैं उसे बुलाना ना पसंद किया, लेकिन इसका अंदरूनी सेंस है कि जनरली मैंने ऐसा हमेशा किया। फ्रेंड्स लगता है आप इस बात को समझे नहीं,
डोंट वरी, आइए इस बात को एक एग्जांपल के जरिए समझें। यहां मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा और आपको इन दोनों में फर्क समझना होगा। मान लीजिए हम दो दोस्त हैं और किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में नाराजगी हो गई और हम अब बात नहीं करते हैं, तो इस सेंस में मैं कहूंगा आई स्टॉप टॉकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी बात नहीं होती, आमतौर पर अब कभी बात नहीं होती। लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए कि दो लोग किसी राज की बात कर रहे हैं और उसी वक्त कोई थर्ड पर्सन आ गया, तो इस कंडीशन में सामने वाला चुप हो गया तो मैं आपसे कहूंगा ही स्टॉप टू टॉक। तो इसका मीनिंग हुआ वह बात करना बंद कर दिया। यहां मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हमेशा के लिए बात करना बंद कर दिया या वह रोज के लिए ऐसा करना बंद कर दिया, लेकिन मैं यहां ये कहना चाह रहा कि उस माहौल में या उस कंडीशन में या उस वक्त उसने बात करना बंद कर दिया, यानी जब तक वो आदमी वहां पर था उसने बात नहीं किया। मे बी उसके चले जाने के बाद उसने बात किया हो। तो फ्रेंड्स, यहां एक सेंटेंस के दो मीनिंग है। पहला, मैंने उसे बात करना बंद कर दिया, तो इसका यह मतलब हुआ कि अब मेरी उसे कोई बात नहीं होती। और इसका दूसरा सेंस है कि मैंने उसे बात करना बंद कर दिया, यानी उस कंडीशन में या उस वक्त मैंने उसे बात करना बंद कर दिया, जब माहौल सही हुआ तो फिर मैंने उसे बातें किया। तो फ्रेंड्स, यही फर्क है इन्फिनेटिव और जीरंड के यूज में। जब हम लाइक, डिसलाइक, स्टॉप, बिगिन के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो इस तरीके के सेंटेंसेस से ये पता चलता कि वह काम कुछ पल के लिए चला या किसी खास कंडीशन के लिए चला, किसी खास माहौल के लिए था। जैसे ही वह माहौल सही हुआ वो काम बंद हो गया। लेकिन जब हम इन वर्ड्स के साथ जीरंड का यूज करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस से पता चलता है कि यह काम जनरली हमेशा चलता रहा या आमतौर पर रोज चलता रहा। तो फ्रेंड्स, अगर लिखाओ ही स्टॉप्ड टू लर्न, तो इसका मतलब हुआ वह सीखना बंद कर दिया, उस हालात में उसने सीखना बंद कर दिया। यानी यहां इसका अंदरूनी सेंस है कि उसने कुछ पल के लिए ऐसा करना बंद कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूं ही स्टॉप लर्निंग, तो इसका मतलब है वो सीखने का काम बंद कर दिया, यानी जनरली यह काम हमेशा हुआ। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं ही बिगेन टू चीट मी, तो यहां बिगेन टू चीट का मीनिंग है वह मुझे धोखा देने लगा। लेकिन इसका अंदरूनी सेंस है कि ऐसा उसने हमेशा नहीं किया, किसी खास कंडीशन में किया या किसी स्पेशल सिचुएशन में किया। लेकिन अगर मैं कहूं ही बिगेन चीटिंग मी, तो इसका मतलब हुआ वह मुझे धोखा देने लगा। लेकिन इसका अंदरूनी सेंस हुआ कि जनरली उसने ऐसा हमेशा किया या आमतौर पर उसने हमेशा ये काम किया। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आया होगा। लाइक, डिसलाइक, स्टॉप और बिगिन के साथ आप इन्फिनेटिव और जीरंड का कैसे यूज करेंगे, और जब आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो उसका क्या सेंस होगा, और जब जीरंड का यूज करेंगे तो उसका क्या सेंस होगा। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर मैं कहूं मैं मुस्कुराना बंद कर दिया, तो इसका दो सेंस है। पहला सेंस यह है कि किसी खास कंडीशन में, यानी मैं किसी के यहाँ गया और वो मुसीबत में था, तो उस वक्त मैंने अपनी स्माइल, अपनी मुस्कुराहट रोक दी, तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा आई स्टॉप टू स्माइल। यानी उस खास कंडीशन में, उस माहौल में मैंने ये काम कुछ पल के लिए रोक दिया। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है कि किसी बात को लेकर मुझे चोट पहुंची हो और मैं हमेशा के लिए मुस्कुराना बंद कर दिया, या आमतौर पर अब मैं नहीं मुस्कुराता, तो यहां मैं जीरंड का यूज करूंगा और मैं कहूंगा आई स्टॉप स्माइलिंग। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं आपके लिए इन्फिनिटिव और जीरंड का पूरा कंसेप्ट लेकर आऊंगा, ताकि अगर आप इन्फिनेटिव या जीरंड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।